इस वक्त की एक अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले की कचहरी परिसर में आज एक बम विस्फोट हुआ है। विस्फोट होते ही कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी है। फायरिंग में एक की मौत हो गई है जबकि चार लोग जख्मी हुए हैं। इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर के ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह पर फैजाबाद अदालत में पेशी के लिए वो पहुंचे थे और पेशी के दौरान ही मोनू सिंह पर बम और गोलियों से हमला किया गया है। विस्फोट के बाद कुछ लोगों ने फायरिंग भी की है। नहीं, आतंकवादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है इसमें, आतंकवादी नहीं है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक तिवारी। जानकारी मिल रही है अशोक कि सुल्तानपुर के पूर्व विधायक पर यह हमला हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं या सुभद्र सिंह सोनू सिंह, ये आज संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड के मामले में फैजाबाद की कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। और उस समय जब पेशी के बाद जब वो बाहर निकले तो ठीक उसी समय जो उनके विरोधी हैं उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है। कई राउंड गोलियां चली है और इसके अलावा हथगोले का इस्तेमाल किया गया है उन पर जब हमला किया है विरोधियों ने। तो उस दौरान काफी अफरा तफरी का माहौल कचहरी के बाहर मच गया था और ठीक उसी समय पूरी घटना की जानकारी वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने पुलिस के जो आला अधिकारी है उनको दिए और उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में फोर्स वहां पर पहुंची और जो पूरा मामला है उसकी छानबीन में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चूंकि फैजाबाद में जिस तरह से खुलेआम कचहरी के बाहर जिस तरह से ये हमला किया गया है, जिस तरह से हर गोली का इस्तेमाल किया गया है, कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं, उससे जरूर कहीं ना कहीं एक बार फिर सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो यशवंत्र सिंह सोनू सिंह है, ये जो लोकसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश जब हो रहे थे तो उस समय सुल्तानपुर में वरुण गांधी के साथ। जी अशोक, जानकारी के फिलहाल शुक्रिया, अपडेट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। तो यूपी के फैजाबाद में एक विस्फोट हुआ है, दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है।